प्रियंका गांधी वाड्रा आजकल यूपी दौरे पर हैं। कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वो पार्टी के लिए जमीन मजबूत कर रही हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने लखनऊ में मूक प्रदर्शन किया और दौरे के दूसरे दिन सुबह सुबह लखीमपुर खीरी निकल गई। लखीमपुर खीरी जाने की वजह थी वो महिला जिसके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। प्रियंका गांधी ने उस पीड़ित महिला से मुलाकात की, साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया, लेकिन मुद्दे की बात यह कि उनकी साड़ी कांड वाली ये पॉलिटिक्स कितनी असरदार हो। लखनऊ से लखीमपुर तक प्रियंका की पॉलिटिक्स। 3 दिवसीय दौरे पर आई उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी आज लखीमपुर जाएंगी। साड़ी कांड पर राजनीति, प्रियंका की पुरानी रणनीति। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए। यूपी में सियासी घमासान, कांग्रेस की राह कितनी आसान। उत्तर प्रदेश की एक एक महिला, पूरे भारत देश की एक एक महिला इनके साथ खड़ी है, तो हम सब लड़ेंगे उनके लिए। कांग्रेस की महासचिव और यूपी की पार्टी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का फिर वही अंदाज सामने आया जो पहले भी कई बार सुर्खियां बन चुका था। मतलब किसी घटना के पीड़ित के घर जाना, न्याय का भरोसा दिलाना और मीडिया के कैमरों पर सरकार से सवाल दागना। ऐसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ, क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? क्या कोई आके 10 गुंडे को लेके मारपीट करके चुनाव जीत सकती है? क्या ये है हमारा लोकतंत्र आज? तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। यूपी में पस्त पड़ी कांग्रेस को प्रियंका चुनावी मौसम में सीधा खड़ा करने की कोशिश में जुट गई हैं। लखनऊ के बाद लखीमपुर खीरी में इसका ट्रेलर दिखा। 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान सपा की जिस प्रत्याशी रितु सिंह से अभद्रता हुई थी, प्रियंका उनसे मिलने सेमरा घाट गाँव पहुंची। निशाने पर यूपी सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। और ये स्थिति आपने बना दी है कि महिला अपना नामांकन भरने जाए और आप उसकी पिटाई करके उसको वहाँ से मतलब नामांकन भी नहीं भरने देंगे? ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। सामाजिक प्रियंका जी, मांग करती हूँ कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाए, दोबारा से चुनाव हो यहाँ। ये है हमारा लोकतंत्र आज, तो हमें ये पूछने की जरूरत है, आप लोगों को सवाल उठाने चाहिए। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है मौन, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, एकाद कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रियंका का हमला जुबानी भी था और उनके तेवर ट्विटर पर भी तल्ख थे, लेकिन जब वो पीड़ितों के बीच थी तो बिल्कुल सौम्य। पीड़ित को बहन बताया, हमेशा साथ खड़े रहने का वादा किया, करीब 10 मिनट की मुलाकात हुई और फिर सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन संदेश साफ था कि लखनऊ की लड़ाई की हुंकार उन्होंने भर दी। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि आज से चुनाव तक 24 घंटे काम करने का अपना लक्ष्य बनाइए, रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। प्रियंका का दौरा फिलहाल सीमित दिनों के लिए बताया जाता है। माना जा रहा कि आने वाले दिनों में वो यूपी में ही डेरा डालने वाली हैं, लेकिन भाजपा के नेता प्रियंका के दौरे को सियासी पर्यटन बताते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 3 दशक पहले ही निकाला कर दिया था, इसलिए अब आपके ऊपर विश्वास नहीं है देश की और प्रदेश की जनता को, इसलिए यहाँ पर आप राजनीतिक पर्यटन पर आइए, घूमिए फिरिए। आप अभी पता चला है कि आपने कहा कि हम जो है लखीमपुर खीरी जाएंगे, तो आप जाइए घूमिए, आपको सारे पर्यटन जहाँ पे है वहाँ वहाँ घूमिए। प्रियंका लखनऊ पहुंची तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी था।
लखनऊ में पहले ही दिन उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने मौन प्रदर्शन किया। इस मामले में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत करीब 600 कांग्रेसियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का है। कि चुनाव के दौरान कोविड नहीं था जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जान गंवाती है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसके लिए उनके लिए कोई कोविड का प्रोटोकॉल नहीं है। बेरोजगारों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, गरीब के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, कानून व्यवस्था पर, महिला सुरक्षा पर आवाज़ उठाना कोविड प्रोटोकॉल का खतरा हो गया। ये सरकार दमन की राजनीति करना चाहती है। लिख ले मुकदमा। मुकदमे से डरने वाले लोग थोड़े हैं हम लोग, मजबूती से इस सरकार के दमन के खिलाफ संघर्ष करेंगे। प्रियंका अपने इस यूपी दौरे में जनभावना को भी खींचने की कोशिश कर रही हैं और सियासी बिसात भी बिछा रही हैं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से भी मुलाकात की। समर्थकों में जोश ऐसा कि उनसे मुलाकात के लिए कार्यकर्ताओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन जा रही है। ये माहौल जो है, अगर कहें तो कोविड के इस काल में भी अच्छा नहीं कहा जा सकता कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, ना चेहरे पर मास्क है लोगों के, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, और किस तरह से ये कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं कोरोना काल में। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मीटिंग हॉल में चली गई हैं और वहाँ पर अब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके साथ में अब बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए तो प्रियंका के इस दौरे में कार्यकर्ताओं का उत्साह तो जबरदस्त देखने को मिला, लेकिन मुद्दे की बात यह कि क्या 2022 से पहले संगठन को एकजुट कर पाएंगी प्रियंका। बात अब अखिलेश यादव की। मलिहाबाद के आम देश विदेश में मशहूर हैं और उन्हीं आमों का स्वाद लेने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे मलिहाबाद पहुंच गए। हालांकि आम के साथ साथ राजनीति भी जरूरी है, ऐसे में उन्होंने यूपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले भी किए, किसानों के मुद्दे पर बात की, जनसंख्या नियंत्रण नीति पर जवाब दिया, साथ ही साथ एक साथ कई हमले कर दिए। तभी तो ये कहना पड़ रहा है कि आम के आम और राजनीति के दाम। आम के आम, राजनीति के दाम। मलिहाबादी आम का सियासी मैंगो शेक। आम के बाग से योगी सरकार पर निशाना। आम है मलिहाबादी सियासत समाजवादी। अखिलेश के हाथ में आम तो मलिहाबादी था, लेकिन इस पर सियासत समाजवादी हुई। दरअसल अखिलेश यादव मलिहाबाद में आम के बगान में पहुंचे थे, वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। करीब 1 किलो का आम उन्हें तोहफे में दिया गया और अखिलेश ने भी किसानों की आवाज उठाने में देरी नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही बीजेपी के बड़े नेताओं ने, कहा कि मलिहाबाद का दशहरी आम या दूसरे आमों के बारे में जो कहा कि कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है, कोई सुविधा नहीं थी। जो मंडी समाजवादी सरकार में बन रही थी वो भी रोक दी। हम यहाँ के किसानों को भरोसा दिलाते हैं, समय आने पर जिस तरीके से सुविधाएं देनी पड़ेंगी, अच्छी दवाई, रिसर्च, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट हमें लगाने पड़ेंगे, हम लगाएंगे। अखिलेश मीडिया के सामने थे तो सवाल जनसंख्या नियंत्रण नीति पर भी हुआ। पूर्व सीएम ने इसे ध्यान भटकाने वाला काम बताया है। आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही काम करेगी जिससे जनता का ध्यान हटाया जा सके असली मुद्दों पर। जो संकल्प पत्र था वो कूड़ेदान में फेंक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जा रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि 2017 में हमने ये किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को वादे किए थे, वो आज पूरे क्यों नहीं हुए। अखिलेश ने एक बार फिर संदेश दे दिया कि चुनाव आने वाले हैं और कार्यकर्ता तैयारी तेज कर दे। गाजीपुर से इसकी तस्वीर भी सामने आई। मॉनसून के समय में लोगों को समाजवादी छाता बांटा गया। छाते पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की फोटो लगी थी। सियासत वाले ये छाते सपा के सैदपुर से विधायक सुभाष पासी की तरफ से बंटवाए गए, जिस पर पार्टी का नया स्लोगन भी लिखा था,
22 में बाइसिकल। गाजीपुर से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो मलिहाबाद पहुंचे अखिलेश यादव ने आम का जायका तो लिया ही, लेकिन सरकार को निशाने पर लेना नहीं भूले। चलिए बात अब कांवड़ यात्रा पर। किचकिच अभी खत्म नहीं हुई। एक तरफ यूपी प्रशासन कांवड़ यात्रा को रद्द नहीं करना चाहता, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार बार बार कांवड़ियों से घर में रहने के लिए निवेदन कर रही। अब मुद्दे की बात यह कि उत्तराखंड सरकार को अच्छे से पता है कि अगर उनके प्रदेश में कांवड़ियों की भीड़ आई तो कोरोना का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जब कुंभ था, आयोजन हुआ था, तब भी खूब सवाल उठे थे। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार को कांवड़ियों के कुंभ से डर लग रहा है। कुंभ से समझ में आया कोरोना आफत लाया, तीसरी लहर का है डर, कांवड़ियां रहें अपने घर। कांवड़ियों के कुंभ से डर लगता है। उत्तराखंड सरकार पिछले कई दिनों से परेशान है, और सरकार की परेशानी की वजह है वो कांवड़िए जो सावन के महीने में हरिद्वार समेत कई जगहों पर जल लेने आते हैं। कांवड़ियों की संख्या करोड़ों में होती है, यही सोचकर प्रशासन के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि कुंभ में क्या हुआ था ये सबको पता है। उत्तराखंड के सीएम ने साफ कह दिया कि शिव भक्त घर पर ही जलाभिषेक करें, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम क्या है कि केवल एक होस्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, यात्रा चलती है, लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, रास्ते में आते हैं, हरियाणा के लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली के लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये आसपास का क्षेत्र है, यहाँ आके सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि 15 दिनों के अंदर 3 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सोचा बिचारा, कई आधिकारिक लेवल की बात हुई, हमने कहा भाई हम भी भोले के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम भी आस्था और श्रद्धा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हम जान माल से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं कर सकते। अब ये तस्वीर देखिए, ये पुरानी नहीं बल्कि नई तस्वीर है। मेरठ में कुछ कांवड़िए उत्तराखंड से जल लेकर लौटते हुए नजर आए। कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई, लेकिन राजस्थान के कुछ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर जाते हुए नजर आ गए। अभी भले ही इन्हें ना रोका जा रहा हो, लेकिन जब यात्रा की तारीख नजदीक आएगी तो उत्तराखंड में तैयारी पुख्ता होगी, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। तीसरी लहर को सोचकर ही लोग सीहर जा रहे, और ऐसे समय में कांवड़ यात्रा आयोजित ना हो इसके लिए उत्तराखंड सरकार बार बार निवेदन कर रही। यात्रा को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी कहा, खतरा ज्यादा है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत है, और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आस्थगित करना ही ठीक है। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को रोकने की बात कह रहे, तो कुछ लोगों के लिए आस्था भी बहुत जरूरी है। यूपी की तरफ से यात्रा को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ जारी रखने की बात कही गई है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सोमवार को यूपी सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी, और हो सकता है कि तभी साफ हो कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो किचकिच है उसका अंत क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। तो मुद्दे की बात यह कि अब तक आस्था पर महामारी जो है वो भारी पड़ी है, लेकिन क्या इस अपील का असर होगा, देखने वाली बात है। वहीं यूपी विधानसभा सचिवालय में संस्कृति वाला नया ड्रेस कोड लागू हुआ है। हालांकि इस ड्रेस कोड को लेकर कोई आदेश नहीं है, सिर्फ निर्देश है। संयुक्त सचिव की तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई उसमें साफ साफ लिखा है कि सदन की गरिमा बनाए रखें, कोशिश करें कि जीन्स टी शर्ट ना पहने। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने साफ किया कि जिसको ये निर्देश मानना है वो माने, कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस टी शर्ट बैन, सीधे सादे रहिए, जींस मत पहनिए, गरिमा का रखिए ध्यान, सदन का बढ़ाइए मान,
यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस टी शर्ट पहनने वालों के लिए संयुक्त सचिव की चिट्ठी आई है। चिट्ठी में लिखा है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ कि विधानसभा सचिवालय के कार्मिक कार्यालय अवधि में टी शर्ट एवं जीन्स अथवा इसी प्रकार के अन्य परिधानों को धारण नहीं करेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वे विधानसभा सचिवालय की गरिमा के अनुरूप कार्यालय अवधि में औपचारिक पोशाक धारण करेंगे। आज्ञा से संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्र। हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का एक ड्रेस भी होना चाहिए। विधानसभा की तरफ से ड्रेस की कोई परिभाषा नहीं की गई है कि पैंट पहननी है कि शर्ट पहननी है कि कुर्ता पहनना है कि पैजामा पहनना है। एक परामर्श दिया गया है कि वह शालीन होकर आए और उत्तर प्रदेश विधानसभा के गौरवशाली इतिहास में अपना योगदान करें। ये चिट्ठी 15 जुलाई की है लेकिन अब मीडिया के सामने आई है। हालांकि ये सिर्फ एक निर्देश है जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। ये बात खुद विधानसभा स्पीकर ने कही। इसे आदेश इसलिए नहीं कह सकते कि प्रत्येक आदेश, कानून या इसी तरह के अन्य निर्देशों में दंड की व्यवस्था भी होती है। तो यह आदेश एक तरह से एडवाइजरी है। जो इसे स्वीकार करेंगे वह ठीक हैं और जो इसे नहीं स्वीकार करेंगे उन पर कोई बाध्यता नहीं। अब इसे कुछ लोग नसीहत समझ रहे हैं तो कुछ सदन की गरिमा बढ़ाने वाला निर्देश। कुल मिलाकर जीन्स टी शर्ट नहीं पहननी है, बाकी आपकी इच्छा। ये हमने अपने अधिकारियों कर्मचारियों पर छोड़ दिया है कि उन्हें जो भी बात वस्त्र और परिधान उचित समझ में आए, जिनसे विधानसभा की गरिमा और महिमा बढ़ती हो, ऐसा पहने वो। हमारी तरफ से कोई सूची नहीं है वस्त्रों की। अच्छे समाज में अच्छा पहनावा भी बहुत अहम माना जाता है। दफ्तर में शालीनता और सचिवालय की गरिमा को बढ़ाने वाला ये फैसला कुछ दूसरे राज्यों, कुछ दूसरे दफ्तरों में पहले से ही लागू है। लेकिन सियासत का क्या भरोसा किस पर भड़क उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां तो सचिवालय में संस्कृति वाला ड्रेस कोड आदेश नहीं निर्देश है। और अब बात यूपी के विकास वाले जेवर की। जेवर के बिना श्रृंगार अधूरा लगता है, लेकिन यूपी के विकास में जो जेवर तैयार हो रहा है वो लंबे समय तक यूपी की शोभा बढ़ाता रहेगा। ये जेवर है गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट का नाम है जेवर, जो सीएम योगी का सपना है। उन्होंने एयरपोर्ट के प्रेजेंटेशन का जायजा लिया और खुशी जाहिर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का वो सपना साकार हो रहा है जो उन्होंने कुछ साल पहले ही देखा था। यह सपना है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर। उन्होंने लखनऊ में एयरपोर्ट का प्रेजेंटेशन देखा और बताया कि बिना विवाद के ही इस एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हुआ। जेवर एयरपोर्ट किसी सपने से कम नहीं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पितो दरअसल ये यूपी के विकास का जेवर है, क्योंकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। निर्माण 4 चरणों में होगा और यहाँ 6 रनवे होंगे। एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 5,845 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया है और करीब 1,339 हेक्टेयर में ये एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल होगा। कोरोना महामारी के बीच भी एयरपोर्ट का काम तेजी से जारी है। सीएम ने इस बात की तारीफ भी की और एयरपोर्ट को यूपी के लोगों के लिए मील का पत्थर बताया। अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी। न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज
कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पिछले 4 सालों में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर सरकार का फोकस रहा। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सिर्फ 4 एयरपोर्ट चालू थे, लेकिन अब 8 एयरपोर्ट पर काम किया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आतंक का MMS कोड यानी वो खौफनाक साजिश जिसे डीकोड कर लिया गया है, इस खुलासे के बाद पता चला है कि यूपी के कई जिलों में आतंक का जाल फैला हुआ है। हमने इसका नाम MMS कोड इस वजह से रखा क्योंकि आतंकियों की मदद करने वाले जिन 3 आरोपियों को ATS ने रिमांड पर लिया है, उनके नाम इन्हीं 3 अल्फाबेट से शुरू होते हैं। पहले M का मतलब है मुस्तकीम, दूसरे M का मतलब है मुइन और तीसरे अल्फाबेट यानी S का मतलब है शकील। और ये तीनों चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। आतंकियों के मददगारों का चौंकाने वाला कबूलनामा, मास्टरमाइंड से होगा मददगारों का आमना सामना। यूपी के शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले आतंकियों का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलता जा रहा। आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मददगारों ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जो सन्न कर देगा। रिमांड पर लिए गए मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद मुइन और शकील ने बताया कि यूपी के कई शहरों से आतंकवादियों के तार जुड़े थे। आतंकियों ने कानपुर, गाजियाबाद, चंदौली और मुजफ्फरनगर से असलहे और कारतूस खरीदे थे, मतलब इन शहरों में भी आतंकियों के मददगार बैठे हुए हैं। आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन ने अपने आका उमर हलमंडी के इशारे पर यूपी की राजधानी लखनऊ समेत धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 6 जनपदों को टारगेट पर रखा था। इसमें अयोध्या और मथुरा के कई धार्मिक स्थानों की रेकी भी करा ली गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के अलावा आगरा और कानपुर शामिल थे। जिन 3 मददगारों को ATS ने 7 दिन की रिमांड पर लिया है, उन्होंने पूछताछ में ये भी बताया कि आतंक के लिए नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा। इसके लिए यूपी के अलग अलग जिलों में आतंक कंपनी तैयार हो रही थी। अलकायदा के आतंकियों ने जिस तरह से ई रिक्शा पर कुकर बम प्लांट करके छोटे छोटे धमाकों का प्लान बनाया और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें जिहादी के रूप में तैयार किया, उससे जांच एजेंसियां इस बात की आशंका जता रही हैं कि यह कोई नया मॉड्यूल रूप लेने जा रहा था। ये जांच एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाली बात है। अलकायदा आतंकियों के संपर्क में रहने वाले 3 मददगारों को ATS ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इनमें शकील भी था और मुजफ्फरनगर का रहने वाला मुस्तकीम भी। साथ ही ATS ने लखनऊ के ही न्यू हैदरगंज कैंपबेल रोड से मोहम्मद मुइन को भी 14 जुलाई को दबोचा था। लखनऊ के काकोरी मामले में अब तक 6 संदिग्ध ATS के हत्थे चढ़ चुके हैं। जांच एजेंसियां इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन का जल्द उनके मददगार शकील, मुस्तकीम और मुइन से आमना सामना कराया जाएगा। दोनों के बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग में कई नए राज का पर्दाफाश होगा, ऐसा ATS के अफसरों का मानना है। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ रही हैं, आतंक के नए ठिकानों का पता चल रहा है। असली खेल का खुलासा होना तो तब शुरू होगा जब 3 मददगारों को ATS, मिन्हाज और मसीरुद्दीन के सामने बैठाएगी। तभी पता चलेगा कि अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल से जुड़े और राज क्या क्या है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा।